पे आज दूसरा मैच स्टार्ट होते हुए, जैसा कि मैंने बताया था, सन्नी इलेवन वर्सेस बस ठीक है, बस ठीक है। कान्हा इलेवन के बीच। और यहाँ पे दिल्ली के स्टार प्लेयर आए हुए हैं, विजय गढ़वाली पहला ओवर डाले हैं। काफ़ी अच्छा खेलते हैं विजय भाई, और पहली वो पहला ही ओवर लेकर आए हैं। तो पहली बॉल स्टार्ट होते हुए यहाँ पे विजय भाई बॉलिंग डालते हुए, पहली बॉल देख सकते हैं अंदर घुस गई, काफ़ी स्पीड है। दूसरी बॉल विजय गढ़वाली की, डॉट सिंगल लेते हुए। बहुत ही कैड़ा मैच होने वाला है ये, सामने वाली टीम बहुत ही तगड़ी है, और देख सकते हैं बैटिंग भी है और बॉलिंग भी है उन पे, क्योंकि स्टार प्लेयर भी आए हैं दिल्ली के। वो तो लग रहा है डॉट बॉल। तो विजय भाई की देखी नहीं, बैट्समैन को बॉल यहाँ पे मारेंगे ही का। तो मैच तो बोरिंग ही होगा ना। तो सेट के लिए मशहूर है यहाँ पे विजय गढ़वाली, काफी महंगा महंगा सेट खेलते हैं यहाँ पे, और नोएडा प्रीमियर लीग में आए हैं, सॉरी NBPL में आए हैं, नया बास प्रीमियर लीग में आए हैं। देखी भी नहीं बॉल, ओवर। तो यहाँ पे दूसरा ओवर सन्नी भाई ले डालते हुए, और गोली शॉट 4 रन के लिए खाना 11 के द्वारा। तो यहाँ पे सन्नी भाई की दूसरी बॉल, और 6 रन के लिए, हाइट का फायदा उठाते हुए यहाँ पे। तो सन्नी भाई पे एक शॉट आ चुका है अभी तक, और शायद ओवर से टॉट कर पे। सन्नी भाई की तीसरी बॉल और ग्राउंडेड शॉट मारते हुए यहाँ पे, ऑन द ग्राउंड, ऑन द स्पॉट, ऑन द लाइन, ऑन द टाइम। पानी तो नहीं लड़के। यहाँ पे सन्नी भाई की नो बॉल, एम्पायर का डिसीजन, और 4 रन के लिए सीमा रेखा के बाहर। तो ये फ्री हिट, डॉट बॉल। तो दूसरी बॉल एक रन के लिए। तो यहाँ पे भट्टी बॉलिंग पे आते हुए पहली पे ही 4 रन। सन्नी इलेवन में काफी लोकल दिल्ली के प्लेयर स्टार भी हैं, जो जैसे विजय गढ़वाली, भट्टी, केतन और बुबू भाई पीछे जो कीपरिंग पे है। इस सेट खेलने के लिए माहिर हैं, इस सेट खेलते हैं, काफ़ी मोटा सेट खेलते हैं। जैसे कार्तिक भी हो गए, स्ट्रेट में लगे पड़े हों, बुबू को देख सकते हैं, बुबू भाई को ये है। और यहाँ पे तीसरी बॉल बोल्ड, बोल्ड आउट। एक विकेट हो चुका है, और मनीष भाई अच्छा खेलते हैं काफ़ी। पिछला मैच इन्होंने काफ़ी अच्छे स्कोर किया था, मनीष भाई ने 56 करीब मारे थे रन पिछले मैच में, और आते आते पहली बॉल पे ही 4 रन मारते हुए। ये तीसरा ओवर चल रहा है, और बहुत ही शॉर्ट देख सकते हैं, और 1 रन के लिए थ्रो के रन है, ओवर थ्रो के। और यहाँ पे जोर कर बॉल, ओवर। तो यहाँ पे बू भाई बॉलिंग पे आते हुए, और स्लो से भी डॉट करते हुए। तो सन्नी भाई की टीम बहुत ही मजबूत है, बोले तो स्ट्रॉन्ग है सन्नी भाई की टीम इस टूर्नामेंट में NBPL में। दूसरी बॉल डॉट, ये भी। उसके बाद मोनू की टीम, फिर उसके बाद तरुण नेगी की टीम। तो वो भाई की दूसरी बॉल हो चुकी है, ये भी काफ़ी महंगा सेट खेलते हैं दिल्ली नोएडा गाजियाबाद। तो ये भट्टी भाई है, इनका भी काफ़ी अच्छा नाम है दिल्ली में, और 3 बॉल हो चुका है मगर 1 ही रन आया, चौथा ओवर स्टार्ट हो गया है। 6 रन के लिए हट के बहुत ही प्यारा शॉट कार्तिक द्वारा। तो यहाँ पे एक और शायद आउट, एक हाथ से कैच ईशान का। ईशान भी अच्छा खेलते हैं, ईशान भी काफ़ी महंगा महंगा सेट खेलते हैं। यहाँ पे लेफ्टी आते हुए, लेफ्टी बैट्समैन, और
चार रन के लिए ओवर, चार ओवर 36 रन, दो विकेट। तो यहाँ पे विजय गढ़वाली बॉलिंग पे आते हुए और ये कैच खड़ी कर दे देख सकते हैं बट्टी भाई आउट। तो कराना 11 की, चार ओवर एक बॉल, टोटे भी विजय गढ़वाली लगातार बहुत अच्छी बॉलिंग डालते हुए देख सकते हैं। काफ़ी अच्छा नाम है इनका इसलिए बैट बॉल लगातार बॉल जज नहीं कर पा रहे यहाँ पे प्लेयर कराना 11 के। बोल्ड पता भी नहीं चला बॉल कब आई और कब गई। यहाँ एक विकेट का पतन होते हुए आउट, लगातार तीन विकेट के पतन होते हुए और ये चौथा, मतलब पता ही नहीं चल रहा बैट्समैन कहाँ खेल रहे हैं। और लास्ट बॉल है विजय गढ़वाली का, अच्छा बॉल, 36 ही रन हुआ है इन। तो यहाँ पे बट्टी भाई बॉलिंग पे आते हुए और पहली बॉल गति से, मगर तो यहाँ पे बट्टी भाई की दूसरी बॉल और डॉट बॉल स्लोवर से डॉट। तो यहाँ पे बट्टी भाई की और ये खड़ी कर दी, मगर एक रन के लिए। तो यहाँ पे लगातार बट्टी भाई अच्छी बॉलिंग डालते हुए और डॉट बॉल। तो यहाँ ओ बहुत ही अच्छी बॉल, मगर दिखी ही नहीं बॉल इन्हें। पांचवा ओवर स्टार्ट हो चुका, पांचवा ओवर भी ख़त्म होने ही वाला है यहाँ पे, लगातार देख सकते हैं। बोल्ड पता ही नहीं चला किल्ली में बोल्ड विकेट घुसते हुए। ऐसा लग रहा है कि सन्नी 11 की टीम इनके साथ मजाक में खेली। एक और बोल्ड, तो यहाँ पे सन्नी भाई आते हुए बॉलिंग पे और शॉट चार रन के लिए। तो ये मैजिक ओवर है और यहाँ पे 10 रन आ चुके हैं अभी तक। यदि 15 रन मार सकते हैं, 15 रन मारेंगे तो इन्हें 24 रन मिलेगा, 23 रन मिलेगा। यदि नहीं मारेंगे तो जितने मारे उसका आधा मिलेगा इन्हें। तो लास्ट बॉल है यहाँ पे, चार पांच रन चाहिए जीतने के लिए, एक पे 6 रन चाहिए। मैजिक ओवर है ये, एक पे 6 रन चाहिए 23 रन के लिए। ओ नहीं मार पाए 4 रन। तो यहाँ पे 14 रन मारे, 14 का 7 रन मिल जाएगा इन्हें माइनस होते। 157 पे 6 विकेट 7 ओवर। तो यहाँ पे 8वां ओवर बुबू लाते हुए, बुबू आई और 4 रन, केतन की मिस फील्ड। ये कौन, तो यहाँ पे 2 विकेट बचा और शायद 1 विकेट खत्म। तो यहाँ पे लास्ट विकेट है कराना 11 ऑल आउट होने के लास्ट विकेट और ये 8वां ही ओवर है अभी। तो यहाँ बुबू भाई ने भी 1 विकेट ले लिया और लास्ट विकेट है बस ये। यहाँ पे बुबू भाई लगातार बॉलिंग अच्छी डालते हो और शायद मैच खत्म ऑल आउट पे। 56 पे ऑल आउट होते हुए कराना 11 57 रन जीतने के लिए चाहिए सन्नी 11 को। सेकंड इनिंग स्टार्ट होते हुए सन्नी 11 बैटिंग करते हुए, जैसे बुब्बू भाई और कार्तिक जना पहली बॉल सेकंड इनिंग की, पहली पे ही शॉट मारनी सिंगल ग्राउंडेड शॉट खेलते हुए यहाँ पे बुबू। 57 रन चाहिए, 57 रन चाहिए जीतने के लिए सन्नी 11 को मात्र। और सन्नी 11 की टीम में जैसे विजय गढ़वाली, बुबू भाई, ईशान, सन्नी और भी काफ़ी लोकल प्लेयर आए हैं जैसे केतन, बट्टी भाई जिन्हें दीपांशु कहते हैं और कार्तिक टॉट करते हुए यहाँ पे बॉल रहने। तो यहाँ पे कार्तिक भाई दूसरी बॉल खेलते हुए पहला शॉट आते हुए देख सकते हैं कार्तिक जना का।
6 रन। एक शॉट आते हुए यहाँ पे और बहुत ही डॉट बॉल रन आउट करवाते हुए यहाँ पे बुबू भाई को। तो यहाँ पे दीपांशु यानी बट्टी भाई आते हुए बैटिंग पे। तो यहाँ पे एक विकेट हो चुकी है, एक विकेट का पतन और डॉट बॉल। बैठा हुआ था और वहीं से पानी छोड़ा उसने, वैसे गोली चला दी खत्म। तो 4 रन के लिए यहाँ पे 4 रन ओवर, एक ओवर 12 रन एक विकेट। तो यहाँ पे दूसरा ओवर बहुत ही प्यारा शॉट देख सकते हैं, तारामंडल में गेंद टिमटिमाती हुई, लाइब्रेरी में बॉल गिरती हुई यहाँ पे कार्तिक जना जो शॉट मारते हुए यहाँ पे, और एक ओवर की कोशिश में रहेंगे। एक और शॉट और ऑफ साइड का 6 रन के लिए देख सकते हैं, 6 रन, 2 पे 2 शॉट आते हुए। जैसा खेल रहे हैं वैसे जल्द लगता है कि जल्दी ख़त्म कर देंगे मैच ये। और तीसरी बॉल पे भी 6 रन देख सकते हैं, 6 रन के लिए लाइब्रेरी में बॉल। तो यहाँ पे लगातार कार्तिक जना अच्छा खेलते हुए और एक और यहाँ बट्टी भाई डॉट बॉल। तो यहाँ पे हजारों के तादाद में दर्शक आए हैं मैच देखने, देख सकते हैं लगातार बोल रहे हैं पीछे से 6 रन के लिए शॉट। तारामंडल में गेंद ऑफ साइड का बहुत ही प्यारा शॉट और ओवर। दो ओवर में ही सनी लेवन ने 36 रन मार दिए और आउट होने से बचे कार्तिक जना यहाँ पे 2 ओवर 1 बॉल में ही 36 रन मार चुके हैं सनी लेवन। और वाइड बॉल एम्पायर का डिसीजन। तो यहाँ पे कार्तिक जना एक रन के लिए। तो यहाँ पे तो 4 बॉल हो गई यहाँ पे भाई की और यहाँ पे लगातार बहुत लेफ्टी काफी अच्छा बॉल डालते हैं। यहाँ पे कार्तिक खेल भी रहे हैं और कार्तिक बॉलिंग पे भी हैं, बस फर्क है कि वो नागर है ये जना है। आउट होते हो यहाँ पे सन्नी भाई बैटिंग पे आते हुए। सन्नी भाई को शेर ही कहते हैं। तो ये ओवर हो चुका है यहाँ पे, 7 ओवर में 18 रन चाहिए जीतने के लिए, बस सॉरी 28 रन चाहिए, सॉरी 28 नीचे इन्हें। यहाँ पे न्यू बॉलर आते हुए और विजय गढ़वाली भाई बैटिंग पे इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि कम रन है चेस करना। और देख सकते हैं शॉट 6 रन के लिए लाइब्रेरी में बॉल। बहुत ही प्यारा शॉट 4 रन के लिए। तो यहाँ पे मात्र 4 रन चाहिए जीतने के लिए और 4 रन। तो यहाँ पे सन्नी भाई विनिंग शॉट, क्या सन्नी भाई के बल्ले से आ सकता है? और सन्नी भाई के बल्ले से विनिंग शॉट आते हुए यहाँ पे मैच खत्म। सन्नी भाई 7 ओवर पहले ही मैच जीत चुके हैं 2 विकेट के नुकसान पे और मैच खत्म।